नौजवानों, अगर अपने हालात सुधारना चाहते हो तो अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। मुतासिर होकर हमारे मोइन भाई अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका यूथ करेज बोलकर एक तंजीम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़िद किए है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस केवीसी को यहाँ के सेडम ही नहीं बल्कि जितने भी कर्नाटक के जो नौजवान हैं वो पूरे नौजवान इस तंजीम को सपोर्ट करेंगे और जितने भी हमारी माँ और बहनें हैं, जितने भी परेशान लोग हैं, उनकी मदद करेंगे इंशाल्लाह बिना कोई मफाद के और बिना कोई मजहब व मिल्लत के हर किसी की मदद करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है जब नौजवान एक तबका जो आगे बढ़ता है, क्योंकि नौजवान तबका कई ऐसे चीज़ों में मुतासिर है जिससे हमारी कौम कमज़ोर हो रही है। तो ये बहुत तारीफ़ काबिल है कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में नौजवान आए, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई यहाँ के नौजवानों का जो जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह कौम मिल्लत के लिए एक तारीफ़ काबिल है, मेरे अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। सलाम उन सैकड़ों नौजवानों को जो यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर उलमाए दीन को भी सुने और हमको भी सुने अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ यहाँ के नौजवान अब कल से यानी अभी से खिदमत का काम जारी करेंगे इंशाल्लाह। और ये तंजीम सेडम से भी एक चिंगारी का काम करेगी और पूरे कर्नाटका में इंशाल्लाह ये तंजीम आगे बढ़ेगी और उन तमाम मजलूमों की बेसहारों का सहारा बनेगी और उनको हिम्मत देगी जो आज मजलूम है इंशाल्लाह। और जो हमारा भाई या हमारी बहन जो पैसों के खातिर पढ़ नहीं सकती, हम उनको तालीम दिलाने की कोशिश करते हैं, एक जरिया बनते हैं। हमारी औकात कुछ नहीं है, अल्लाह हमसे काम ले रहा है, बस हम खुश नसीब हैं। यही है उलमाए दीन जो हमारी जिंदगियों में हमारी जिंदगियां संवार सकते हैं। यही है उलमाए दीन जो आज ये दुनिया जो चल रही है यही उलमाए दीन की वजह से है। आज दुनिया इनको गफलत की दुनिया में ढकेगी, क्यों? क्योंकि आज हम गाफिल हैं, इनके मर्तबे को समझ नहीं सके, इनके मुकाम को नहीं समझ सके। जिस दिन नौजवान उलमाए दीन का मर्तबा समझ जाएगा, उस दिन यकीन जानिए कोई मेरी माँ और बहन, कोई मेरा भाई मजबूर नहीं रहेगा जब ये उलमाए दीन को फॉलो करेगा। तकलीफों में इजाफा, मुसलमान हमेशा परेशान रहा है। कभी भी मुसलमान का लफ्ज़ सुनता हूँ इस कानों में मुझे गूंजता है परेशान लफ्ज़, क्योंकि मुसलमान की हर वो तकलीफ परेशानी से गुजरा है हिजबई से, गुजरा है हिजबई से। और उस माँ को अल्हम्दुलिल्लाह हिजबई से ने एक मुकाम पर घर भी दिलाया, घर का सामान भी दिलाया और उनको एक छोटा सा कारोबार भी लगा के दिया। ये हिजबई से अल्हम्दुलिल्लाह
अब बहुत अफसोस है इस बात का कि हम ये चीज़ से गाफिल हैं। उठो नौजवानों, अपनी जिम्मेदारियों को सोचो, समझो और लब्बैक बोलो। इंशाअल्लाह अल्लाह साथ है। कभी कमज़ोर अगर पड़ेंगे तो आपके भाई को याद करो, इंशाअल्लाह आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल रमज़ान है। रमज़ान का हमें बड़े जोश और खरोश के साथ उसका इस्तकबाल करना है और अल्लाह का जो ये मेहमान महीना आ रहा है इसमें पाबंदी के साथ नमाज़ों की भी पाबंदी करना है, रोज़ों की भी पाबंदी करना है। गौर व फिक्र के साथ रोज़े भी रखना है इस नीयत से कि भूख की तड़प हमारे दिल को हो। कि एक भूखा आदमी जब भूखा रहता है तो उसको क्या तकलीफ़ होती है, एक प्यासा आदमी जब प्यासा होता है तो उसको क्या तकलीफ़ होती है। यह एहसास दिलाने के लिए जो है ना रमज़ान का महीना हमसे दावत देता है। शहर सेडम के सिलसिले में यहाँ पर बुनियादी एतबार से जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर काम करो। अब हाल ही में मौलाना मुजीब साहब के साथ दो दिन पहले जो है ना एक जगह देखने का इत्तेफाक हुआ, PUC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का अनखरीब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो इरादा किए हैं कि रमज़ान के बाद जो है ना इसकी एक बुनियाद रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से हम दुआ है कि आप आगे बढ़ो, इंशाअल्लाह हम आपके शाना बशाना खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। ओनली गर्ल्स, लड़कियों के लिए आपकी जो तंजीम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला आपकी तंजीम को शादाब व आबाद रखे और अल्लाह तबारक व ताला आपकी तंजीम के ज़रिए उम्मत का बहुत बड़ा काम हो, हमारी ये दुआ है। और आपकी तवज्जो हमारे शहर सेडम की तरफ होना बेहद ज़रूरी है। आपकी तंजीम की जानिब से अगर यहाँ पर एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल अगर कायम हो रहा है, वेलकम, खुशामदीद, आप तशरीफ़ लाइए। इंशाअल्लाह ताला माली एतबार से अगर आपको मदद होना है इंशाअल्लाह ताला शहर सेडम के नौजवान इंशाअल्लाह आपका शाना बशाना खड़े होंगे। आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना माल ना वहाँ खर्च करो, इंशाअल्लाह आप यहाँ पर आइए, अपनी सोच को हमारे सामने शेयर कीजिए, इंशाअल्लाह ताला यहाँ का नौजवान शाना बशाना खड़े होकर इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला। बहुत मरतबा हमने कोशिश की कि बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल सरजमीन सेडम पर कायम हो, जहाँ पर डॉक्टर भी बने, जहाँ पर हाफिज कुरान भी बच्चे बनकर निकले। आज मदरसों में भी इसकी सख्त ज़रूरत है। अभी हाल ही में भी लिहाजा मैं शहर सेडम के नौजवानों से ये अपील करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि नमाज़ों की भी पाबंदी करे, रमज़ान का महीना आ रहा है रोज़ों की भी पाबंदी करे। और इंशाअल्लाह ताला ये जो हजरात हमारे पास आए हैं जो अपने जज्बात के साथ आए हैं, हम उनके जज्बात का खैर मुकदम करते हैं। आप शहर सेडम की सरजमीन पर जो कुछ भी आप अपने जज्बात यहाँ पर उतारने की कोशिश करेंगे, ताकत के ज़रिए हम आपका साथ देंगे। जहाँ तक हो सके फाइनेंशियली भी इंशाअल्लाह ताला हम आपका साथ देंगे। हम इतने कमज़ोर नहीं है कि हम जो है ना कमज़ोर नहीं है कि आपके ऊपर ये तमाम चीज़ों का डिपेंड रखा जाए। आप अपनी सोच यहाँ पर रखिए, इंशाअल्लाह ताला हर एतबार से उसको अमली जामा पहनाने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला ताला इनका आना कबूल फरमाए, हमारा यहाँ पर आना कबूल फरमाए। यहाँ पर जो बातें हुए हैं अल्लाह तबारक व ताला इसको जो है ना कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला उम्मत मुस्लिमा की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। वाकिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू। कई नमाज से जुड़े हुए हैं माशाल्लाह, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ HYC एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम ऑर्गेनाइजेशन से भी नफरत करते हैं, हम तंजीमों से भी नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तंजीम हमारा इदारा मस्जिद होना चाहिए था, हमारा फाउंडेशन मस्जिद होना चाहिए था, हमारा ऑर्गेनाइजेशन मस्जिद होना चाहिए था, हमारा कोई हम कभी किसी को हेल्प करते तो मस्जिद से करना चाहिए था। सबसे बेहतरीन सिस्टम बेहतर बात का सिस्टम मस्जिद में होना चाहिए था। आज हम वो बेहतर सलातन के हवा के तेजी की चलने की वजह से सहाबा को मस्जिद नबवी के जोड़ दे, जब तक नमाज का इत्तेमाम फरमा दे, दुआ का इत्तेमाम फरमा दे, जब तक हवा ना।
रमजान मुबारक अभी आ रहा है, हम सबसे पहले मेरे भाई अंडा है, आप लोग जो भी भेजा है भेजा लेके जाए अंडा के भूखों को पूरा करने के लिए। हुआ बहुत पहले ही हुआ, यदि मैं थोड़ा चीजा बताया इनको तब्दीली क्या होती है और सावर क्या होती है।